गाइस अभी हम आए हैं मेन प्लेस मॉल पे, जो कि सुबंग में ही है, USJ के पास। तो गाइस यहाँ इस मॉल में हम फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट विजिट है हमारा। सो गाइस ये इनकी मेन एंट्रेंस है, सो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं और हम एक्सप्लोर करने आए कि यहाँ पे क्या क्या है और रिकमेंड किया, तो चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बेसिकली सभी शॉप्स मुझे सिमिलर लग रही है, सभी पिरामिड की तरह, तो चलिए चलते हैं। ओके जाया ग्रॉसर भी है गाइस, क्योंकि जाया ग्रॉसर है, जाया ग्रॉसर सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने कहाँ देखा है, सनवे जियो में देखा है, जहाँ मैंने आपको दिखाया था। सिमिलर लाइक सिमिलर पेमेंट, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल उसी की तरह है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, मशीन्स सब कुछ स्टारबक्स ये सब वही है, बस हाँ थोड़ा बहुत ये कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हैं और बाकी चीज़ों का पता नहीं। सो गाइस ये था मॉल का सेकंड एंट्रेंस, इस मॉल का मेन फेस मॉल का ये सेकंड एंट्रेंस है, एज यू कैन सी गाइस। सो गाइस आपको दिख रहा होगा मेरे बिहाइंड पे है स्टारबक्स और मैं हूँ बहुत ज़्यादा हैप्पी, स्टारबक्स देख के कंट्रोल नहीं होता। और गाइस यहाँ पे एक छोटा सा मिनी सा प्ले लाइन बनाया था किड्स के लिए, एज यू कैन सी गाइस के यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से दो तीन गेम्स डिजाइन किया था। या बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ सिमिलर पेमेंट जैसा, सब कुछ सब कुछ। पता नहीं हम यहाँ पे बेसिकली इसलिए आए कि भाई ने बोला कि हम अभी तक मतलब इतने टाइम से वहीं पर ही ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, तो एक ये मॉल है यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। सो ये तो बिल्कुल सनवे पिरामिड, बस सनवे पिरामिड में कुछ पोर्शंस बने हुए हैं, तो वो है कि मतलब फ्लोर वाइज जाते हो तो आपको ये चीज़ मिलती है, यहाँ पे सब कुछ ग्राउंड पे, ये बस ये फ़र्क है और इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सो गाइज आप बताइए आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, मेरा तो सेकेंड होम, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था सनवे पिरामिड है, वहाँ पे मतलब बंदा जाए चल करे और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल सी शॉप्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैंने सुना था, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हाँ आई थिंक मिस्टर DIY ऊपर की साइड है, बाकी तो सब यहीं पर ही है, सारी वही शॉप्स हैं, सब कुछ वही है, सब वही फैसिलिटीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब लाइक आपको ऐसा लगे कि मतलब हम कोई नई जगह पे आए, बस मॉल का नाम चेंज हो गया, बाकी सब वही है। गाइस अभी हम जा रहे हैं एस्केलेटर से ऊपर एंड लेट्स सी ऊपर की साइड पे जाए, क्योंकि नीचे का तो हमने सब आपको एक्सप्लोर करा दिया, ऊपर जाते हैं फिर आपको बता सकते हैं। सो कूल, चल करते हैं। तो ये देखिए ऊपर टूटी सा प्लेस है यहाँ पर एंड गुड, ये मुझे अच्छा लगा, ये सनवे पिरामिड में नहीं है, मतलब ऐसा है वो दूसरा टाइप का, ये अच्छा है। ओह सो क्यूट, हमारा फेवरेट ब्रांड है, ब्रांड आउटलेट पसंद है, यहाँ पे आएंगे जैसे यहाँ पे भाई क्या चेंजेस है, वही सब है या कुछ चेंज भी है, लेट्स सी। नाइस वे दिस वन, ओह ये तो मैंने अभी अपना उसमें पहनी थी, बिल्कुल सेम। Yeah.
गाइस मैंने आपको दिखा दिया ब्रांड आउटलेट, और ब्रांड आउटलेट में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है बस ये कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बस ऐसा है, बाकी तो सब सही है, सब कुछ ठीक है। हमने एक्सप्लोर कर लिया, अच्छा रहा। दिस इज द प्लेस, सो एज यू कैन सी गाइस कि यहाँ पे किड्स कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज ये एक मिनी आर्केड की तरह की डिज़ाइन है। आर्किड का डिज़ाइन दिया हुआ है, आर्किड है ये छोटा सा, यहाँ पे बच्चे जो है वो प्ले कर रहे हैं और हम यहाँ पे एक्सप्लोर करा रहे हैं आपको हर एक चीज़। गाइज मुझे लग रहा था कि बस यहीं तक ही आर्किड है, पर नहीं, ये बट मेरे ही बिहाइंड पे इतना क्यूट सा आर्किड था। सो गाइज अब हम ऐसे लेटे से नीचे जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ का जो है मैंने सेकेंड फ्लोर का आपको एक्सप्लोर करा दिया है। तो गाइज जब हम एसिलेटर से नीचे आए तो ये देखिए गाजी जो है सामने से मिरर में लगे हुए हैं, अपने हेयर सेट कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे गाजी जो है उनको शूज़ देख रहे थे, और हम जो है यहाँ पे ये देख रहे थे कि यहाँ पे सेल लगी थी, और ये देखिए मेरा और इनका शूज़ बिल्कुल सिमिलर है। एनीवेज सो गाइज मुझे ये फोर पेयर्स समझ पाए थे, लेकिन यहाँ पे हो गया था साइज़ का। गाइज मैं यहाँ पे अपना साइज़ चेक कर रही थी शूज़ का, बिकॉज मुझे जो शूज़ पसंद आया था उसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन See which one you take, you trust the two pair for the highest one. Okay. So then this you is give three, right? Yes. So okay. This is higher? Is this higher? See which one you take, Laura? We got 150 overbought. Yeah, we got. So guys, अभी हम आ गए हैं नैंडोज, बिकॉज आपने देखा होगा कि मैं संडे पेनवे में हमेशा नैंडोज जाती हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। और टेबल्स चूज़ की थी वहाँ वो रिज़र्व थी, लेकिन वहाँ पे लिखा नहीं था, बिल्कुल भी मेंशन नहीं था कि वो रिज़र्व है। फिर वो हमें बोल रहे थे कि आप कोई ऐसी टेबल चूज़ कर लो जिसमें फोर पर्सनस फिट हो जाएं, तो हम कह रहे थे कि हम वो सेंटर वाली टेबल पे, तो उन्होंने बोला कि वो 10% के लिए। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इंटीरियर हुआ हुआ था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, मतलब लाइक उसका जो टेक्सचर था वो ब्लैक एंड गोल्ड था, एंड इट्स गुड। आई डोंट नो कि वो आपको वीडियो में ठीक से दिख रहा है कि नहीं, मेरे ये क्या है। गाइस नैंडोज की बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे ये लोग एकदम हॉट एंड फ्रेश फूड सर्व करते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट लेफ्ट ओवर है या फिर वो पहले से बना के रख दिया है और जस्ट आपने गर्म करके माइक्रोवेव करके देखे, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश होता है। एज यू कैन सी गाइस कि कैसे ये लोग कुक कर रहे हैं बहुत ही प्रॉपर वे में, सो हमको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है एंड आई लव इट। गाइस हो गया डिनर, अब हम कहते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड विल सी यू विद अनदर ब्लॉग। टिल देन कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस।